वेलकम स्टूडेंट्स आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स टुडे अ न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड हियर पैकिंग फॉर द जर्नी। आज एक नया चैप्टर के साथ हम आए हैं जिसका नाम है पैकिंग फॉर द जर्नी। एक टाइटल है इस चैप्टर का और इस टाइटल के पीछे क्या बातें हैं, कौन सी बातें हैं। पैकिंग मीन्स क्या होता है पहले लिटरली मीन्स जान लीजिए। पैकिंग मीन्स होता है जब आप जर्नी यानी यात्रा में जाते हैं तो किसी चीज को पैक यानी अपने सामान को पैक करते हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, सामान को संभालते हैं, उसको बैग में रखते हैं, जो जरूरी आइटम्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं, जो आपको ट्रेवलिंग में आपके लिए जरूरी होता है, उस चीज को आप उसमें पैक करते हैं ताकि आप बाहर में आपको परेशानी नहीं हो सामान के लिए, तो उसी को पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फॉर द जर्नी ये जो कहानी लिखी गई है इसको लिखने वाले कौन है, सबसे पहले आप ये देखिए, इट इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। जेरोम के जेरोम राइटर हैं और उन्होंने इस कहानी को लिखा है पैकिंग फॉर द जर्नी। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि खुद राइटर अपने दो दोस्तों के साथ वो पैकिंग के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि भाई हमको पैकिंग करना है क्योंकि हमको जाना है घूमने के लिए। ठीक है, तो जर्नी के लिए जब वो किस पर जाने का बोट पे, थ्री मैन इन ए बोट से लिया गया है ये, हम आपको ये बताएंगे। तो वो क्या होता है, उन लोगों का प्रोग्राम बनता है पैकिंग के, पैकिंग करते हैं उसके लिए कि हम लोग जर्नी पर निकलेंगे और उस काम के लिए उन लोग डिसाइड करते हैं कि अब सामान को कैसे रखा जाए, उसको पैक कैसे किया जाए। तो उसमें जो राइटर खुद होते हैं तो राइटर कहता है कि मैं इसमें सबसे ज्यादा मैं एक्टिव हूं और वो ये शो करता है कि मैं पैकिंग में ज्यादा इफिशियंट हूं तुम लोग से ज्यादा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग की पैकिंग ही मैं कर देता हूं, ये प्लानिंग वो बनाता है राइटर। और जब राइटर प्लानिंग बनाता है तो जब वो पैकिंग करने लगता है और उसके दोनों दोस्त जो आराम करने लगते हैं, क्योंकि इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं मेन, आप ये जानिए इस कहानी में कौन कौन इसमें कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर्स आपका है, मेन कैरेक्टर्स आर राइटर, खुद राइटर है, ठीक है, एक हैरिस नाम है उसका दोस्त है, जॉर्ज है और एक कुत्ता भी है मॉन्टे मोरेंसी। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर्स है इसमें। तो ये लोग जब जर्नी का प्लानिंग बनाते हैं तो अब जर्नी के पहले तो हमको पैकिंग करना है सामान का, तो उसी पैकिंग के कहानी को पूरी तरह से पूरी किताब में दिखाया गया है कि वो कैसे पैकिंग करते हैं, कौन कौन से पैकिंग के समय में उसमें सर्कमस्टांसेस आते हैं, सामान कैसे छूट जाता है, कैसे रखते हैं, यही सब कहानी इसमें पड़ा हुआ है। और लास्ट में दिखाता है कि वो सामान को पैक कर लेते हैं और फिर अगले दिन के लिए कि अब हम लोग को यात्रा पर निकलना है। लेकिन कहानी मेन फोकस होता है कि हाउ टू पैक ऑल द मटेरियल्स इन योर बैग, बैग में किस तरह से सब पैकिंग करते हैं, उसी बात पर पूरी कहानी इसमें आई हुई है, बस यही जान लीजिए इसमें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये पैकिंग फॉर द जर्नी, जर्नी को स्पेलिंग को आप सही कर लेंगे, जे ओ यू आर एन ई वाई, ठीक है, पैकिंग फॉर द जर्नी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। ये जो पैकिंग ऑफ जर्नी है ये किस बुक से लिया गया है, तो उस बुक का नाम है थ्री मेन इन ए बोट। ये बुक है, इसी बुक में से ये पैकिंग फॉर द जर्नी कहानी ली गई है, उसका कुछ अंश लिया गया है जो आप लोग के बुक में दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है थ्री फ्रेंड्स। एक्चुअली में क्या होता है, तीन दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त जो है, तीन दोस्त का नाम मैंने यहां बताया, खुद राइटर हुआ, हैरिस और जॉर्ज, ये तीन आदमी हो गए। ठीक है, तो ये तीन दोस्त थ्री फ्रेंड्स जो है वो डिसाइड क्या करते हैं, किस बात को डिसाइड करते हैं, टू गो ऑन ए हॉलीडे, छुट्टी पर, छुट्टी पर निकलने के लिए इन ए बोट। बोट में ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जर्नी करें और उसका आनंद लें। ठीक है, किस नदी में, थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है, थेम्स नदी कहां पर है, इंग्लैंड में है। ठीक है,
उसी नदी में ये लोग बोट पर सवार होकर ये तीनों दोस्त प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोगों को यात्रा करना है, हम लोग को ट्रैवलिंग करनी है, हम लोग को एंजॉय करना है, ठीक है। एकॉम्पेनीड बाय ए डॉग मॉन्टमोरेंसी, और उसमें उस जर्नी में किसको शामिल करने की प्लानिंग थी, तो एक कुत्ता भी था जिसका नाम था मॉन्टमोरेंसी, याद रखिएगा इसका नाम था मॉन्टमोरेंसी, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया यानी थ्री मैन इन ए बोट से जो ये पैकिंग फॉर द जर्नी एक्सट्रैक्ट यानी कहानी को ली गई है, ये किस बात को डिस्क्राइब करता है, किस बात को बताता है कि किस तरह से तीनों दोस्त कौन कौन होंगे, राइटर, हैरिस और जॉर्ज, ये तीनों दोस्त जो है वो पैक करते हैं फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा के लिए कैसे पैकिंग करते हैं कि हमको अब जर्नी में जाना है, कैसे वो अपने सामान को पैक करें, बस इसी पर कहानी सारी है। मेन कैरेक्टर्स मैंने पहले ही बता दिया था आपको, राइटर, खुद राइटर एक कैरेक्टर हो गया, हैरिस, जॉर्ज, तीन ये हो गया, और एक डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी। अब यहां तक आप आ गए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस कहानी में ये दिखाता है कि ये जो राइटर होता है ये कहता है हैरिस और जॉर्ज से कि ठीक है तुम लोग बैठो, मैं पैकिंग करूंगा सामान को, ठीक है। तो वो सामान को पैकिंग करने लगता है, और जब सामान को पैकिंग करता है तो ये जॉर्ज और हैरिस जो है आराम से बैठ जाता है अपने अपने स्टाइल में। तो उसको राइटर को बहुत ही बोरिंग फील होता है कि हमने क्यों कह दिया, क्या मेरा डिसीजन गलत था, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया तुम बैठो मैं पैकिंग करूंगा, तो उसको सा और कुछ लगता है। तो वो सामान जब पैक करने लगता है तो उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि कभी पैकिंग में क्या करता है, एक जूता वो रख देता है, और जब वो पैकिंग कर लेता है तो फिर ये जॉर्ज पूछता है उसको कि क्या तुमने जो है शूज को जो है उसको सही से जगह पर रखा है, तो देखता है कि शूज बाहर में ही छूट गया है, तो फिर उसको रखता है तो उसके अंदर में कभी टूथब्रश चला जाता है तो फिर वो पूछता है कि टूथब्रश कहाँ चला गया। और इस तरह से कुछ सर्कमस्टांसेस उस कहानी में दी गई है, कभी दिखाता है कि मक्खन जो है वो बैक साइड में जो है बैठ जाता है, जॉर्ज बैठ जाता है और उस पर मक्खन पर बैठ जाता है और खोजने लगता है कि बटर उसने कहाँ रख दिया है। तो ये सारी कहानियां दी जा रही होती है उसमें, इसीलिए ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह से पैकिंग कर रहे हैं, और बाद में जो है वो लोग महसूस करते हैं कि कौन कौन सी गलती किसके साथ हुई है, कभी जॉर्ज गलती कर बैठता है, कभी हैरिस गलती कर बैठता है, और कभी खुद राइटर से ही गलती हो जा रही थी। तो ये सारी बातें उसमें एक्सप्लेन करके दी हुई है, और उसमें कुछ भी नहीं है विशेष उसमें, तो यही सारी बातें होती है। और ये सारी बातें करने के बाद जब सब चीज पैकिंग हो जाता है, गलती करते हुए उससे गलतियां होती है, उससे एरर होता है, और वो सारी चीज होते हुए फाइनली क्या होता है, इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, यानी रात को 10:05 पर सबका पैकिंग वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद ये कौन करता है, ये राइटर कर लेता है। 10:05 पर जब पैकिंग कर लेता है तो उसमें भी कुछ गलतियां रह जाती, कुछ सामान छूट जाता है, तो हैरिस जॉर्ज से पूछता है कि भाई ऐसा सामान हमको एक छूट गया है उसमें, मतलब बटर का कभी गलती क्या हो गई उसमें, कि मक्खन जो है सामान है भारी सामान को टोमेटो के ऊपर रख देता है, तो टोमेटो जो स्मैश कर जाता है, यानी सबसे नीचे टोमेटो रख देता है, उसके ऊपर भारी सामान पैक करता है, तो टोमेटो जो है जाहिर सी बात है वो फट जाएगा। तो उस तरह से क्या होता है, गलतियां हो जाती है, तो फिर उसको सही करता है। तो फिर 10:05 PM में गलतियां होती है, उसको ठीक करता है। तो एक सर्कमस्टांस यह दिखा रहा है कि हैरिस क्या करता है, गलती से पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो, देखो हमने बोला टोमेटो पर क्या करता है, स्ट्रॉबेरी को जैम को रख देता है, एंड स्क्वैश्ड, इस मतलब क्या होता है, मसल जाना यानी फूट जाता है, वो पूरे तरह से पिसल, मतलब कि वो क्रैश कर जाता है, उसमें से टमाटर जो है पूरा दब जाता है, उसके मटेरियल बाहर आ जाते हैं। ये सारी गलतियां कुछ कुछ होती रहती है पैकिंग के दरमियान, ठीक है। उसका पैकिंग जो है फाइनली कितने बजे खत्म होता है, 12:50 पर, यानी 12:50 पर मिडनाइट में ये लोग पैकिंग खत्म कर लेते हैं,
और फिर ये लोग चले जाते हैं, सभी फ्रेंड बोलते हैं कि अब हम लोग चलो, अब हम लोग ने पैकिंग कर लिया है, वो लोग सोने चले जाते हैं और फिर कल की तैयारी के लिए कि कल हम लोग को अब जर्नी पर निकलना है। बस यही कहानी है इसमें और कुछ नहीं है। इससे कंसर्निंग फिर हम क्वेश्चन आंसर आपको ऑफलाइन क्लासेस में कराएंगे और इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द मंडे। टिल देन हैव अ गुड डे, वी शैल मीट।